वेलकम एवरीवन, माय नेम इज मोहित, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। इस वीडियो में बात करेंगे आकाश का बहुत अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ISCST के बारे में, जो कि इस साल स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जितनी भी इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या क्या हैं, सिलेबस क्या है, शेड्यूल क्या है, कैसे एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, आपको जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बेसिस होते हैं उस पर आपको 90% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद 2021 में दिया हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने तभी ज्वाइन किया था, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, तो क्लास 8 के लिए, क्लास 9, 10th, इन सब के लिए आप एडमिशन करने के लिए सकते हो, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे आप क्लास 11th में अगर नीट यूजी के लिए ले, या क्लास 12th में नीट यूजी के लिए लो, या ड्रॉपर बैच में तुम नीट यूजी के लिए एडमिशन लो, तो वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से एक्ट करता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट या स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट का डिटेल्स देख लो कि यहाँ कब टाइमिंग है। तो 9 बजे सुबह से लेकर रात को शाम 7 बजे तक आप इसको दे सकते हो। ड्यूरेशन क्या है, 35 मिनट का टेस्ट होता है। मोड जो है ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन होता है तो आप हल्का बुल्का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। कैसे दिया होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं इसका ओरिजिनल जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ नहीं करना है, अगर आप सर्च करोगे तो 2023 का 2024 का बहुत सारा ओपन हो जाएगा, ठीक है, ISCST का, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला जो लिंक है वो मैं आपको देता हूँ ISCST का, और कमेंट बॉक्स में भी पिंड है, ठीक है। तो बस उस पर आप क्लिक करोगे, तो जस्ट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसे आप लॉगिन करना चाहते हो, फिर OTP आएगा, फिर उसे आप वेरीफाई कर लोगे। उसके बाद अपना जो भी कॉमन इन्फॉर्मेशन है, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, ठीक है, और अपना टाइमिंग जो है वो डाल दोगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा कि किस एग्ज़ाम डेट क्या है आपका, और इसका 0 रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो बहुत ईजी है, अगर आप चाहते हो कि आकाश के अंदर कोई भी ऐप, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अब बैच ज्वाइन करना, तो इसको जरूर एक बार ट्राई कर लो, कोई इसमें पेमेंट नहीं लग रहा आपको, ठीक है। और लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ वहीं से लॉगिन करना। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, सिलेबस की बात करें तो जो आपके सिलेबस हैं वो बिल्कुल बेसिक बेसिक वाले सिलेबस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्लास 12th पास होके और अपना नीट के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, नीट यूजी के लिए, तो बस 11th 12th के बेसिक सिलेबस ही रहते हैं इसमें, ठीक है। तो उतना कुछ हार्श एंड फास्ट होता नहीं है, आप अच्छे से दोगे तो बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लॉगिन कर लो वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको पता होगा 2024-25 नीट के लिए यहाँ पे NCERT हाइलाइट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे मैं अपलोड कर रहा हूँ, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अपलोडेड हैं, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अपलोड होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट नीट के लिए मैं आपको देते रहता हूँ। सो थैंक यू।